वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। यूपी का चुनाव है, धड़ाधड़ रैलियां भी हो रही है। क्या सपा, क्या बसपा और क्या बीजेपी, रैली पर रैली चल रही है, पर ये वाली तो सबसे अलग है क्योंकि ये रेलिंग तोड़ रैली है, मंच तोड़ परफॉर्मेंस है। ऐसी परफॉर्मेंस कि नेताजी रेलिंग पर ही लटक गए। बता दें कि तस्वीरें अलीगढ़ की है। इगलास कस्बे में किसान दिवस पर राष्ट्रीय लोक दल और सपा की संयुक्त परिवर्तन रैली हुई। रैली में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। इस रैली के लिए भव्य मंच भी तैयार किया गया था, पर जो हुआ उसे आप भी देख लीजिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, ये समाजवादी पार्टी की हर रैली में ऐसा क्यों होता है? पिछली बार मीडिया का मंच तोड़ दिया था कार्यकर्ताओं ने, और इस बार मंच की सीढ़ी तोड़ दी नेताओं ने। इस रैली को सपा और रालोद के नेता संबोधित करने वाले थे। हालांकि अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, पर भीड़ बेकाबू थी। रैली स्थल का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मंच पर चढ़ने के लिए बड़ी संख्या में नेता मंच की ओर बढ़ रहे हैं, और इस दौरान मंच पर चढ़ने वाली सीढ़ी टूट जाती है और धड़ाम से माननीय गिर जाते हैं। मंच पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी। इस सीढ़ी पर बड़ी संख्या में सपा और रालोद के नेता पहुंचकर मंच पर चढ़ने लगे। शायद अपना चेहरा चमकाने की होड़ लगी हुई थी कि अचानक ही ये सीढ़ी टूट गई और कई नेता अगल बगल गिर गए। इसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने लोगों को बचाने और उठाने के लिए दौड़े। एक एक कर सीढ़ी टूटने से गिरे नेताओं को वहां से निकाला गया। खैर, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।